देखिए हम लोगों ने बोट बुक कर लिया, बैठ गए हैं, बड़ी मुश्किल से एंट्री मिली है। ये देखिए कितने लोग खड़े हैं, शाम हो गई है। भैया कितने बजे तक वोटिंग होती है? लास्ट वोटिंग आपको 6:40 लास्ट। ओहो, हमारा लास्ट वो जा रहा है ये, क्योंकि हमें होटल से आते आते लेट हो गया, 4:30 हम पहुंचे ही हैं। देखिए सुंदर बहुत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। Take you home with me. यहाँ पे आप केव गार्डन भी घूम सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स को पहले रखा जाता था। बड़े वो एकदम नेचुरल बनी हुई है केव्स, जहाँ पे घुस के रहते थे एनिमल। अभी तो खाली है बहुत उससे, तो लोगों को एक रोमांच दिया जाता है अंदर घुसने का। मैं भी घुसी थी एक बार, पर मैं बाहर निकल आई। मेरे को लग रहा था कि मैं निकल ही नहीं पाऊंगी उसमें से। कई केव तो ऐसे हैं कि नीचे से लेट लेट के जाना पड़ता है, तो वहाँ तो हमने गिव अप कर दिया था। बच्चे गए थे हमारे, बच्चे आए थे लास्ट टाइम, बच्चे भी आए थे हमारे साथ, हमारे हस्बैंड ने कर लिया था पर मैं नहीं कर पाई तो मैं भी पूरा नहीं किया था, मैं आधे से वापस आ गया। आधे से वापस आ गए थे? अरे बाप रे, वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि लेट के जैसे जैसे एक आर्मी लोग नहीं नीचे से चलते हैं ऐसे ऐसे करके, उसी तरह से वहाँ पे हमसे तो सरका भी नहीं गया। बड़ी मुश्किल से हमने कहा भैया अब आधे रास्ते में हमें बाहर निकालो, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव है, रोमांच है एक जाके वहाँ पे। और वहाँ पे वर्टिकल गार्डन भी है ना, गार्डन भी है, जू भी है, आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं जू का। और यहाँ पे एक नेचर की तरफ से जो नेचुरल जो प्रकृति है, नेचुरल जो ब्यूटी है, वो अलग से ही एक दिखाई देती है आके। यहाँ पे नैना देवी मंदिर, गुरुद्वारे पीछे है ना आपके पीछे, ये नैना देवी, एक नैना देवी आपका हिमाचल प्रदेश में है। हाँ हाँ हाँ, ये आपका पावन शक्ति भी टूर है। अच्छा, जो वहाँ की नैना देवी वो आपका 9 शक्ति भी टूर है। अच्छा, 9 शक्ति। और ये माता जी, ये पावन शक्ति 52 शक्ति है, और वो 9 शक्ति है। अच्छा, ये भी डिफरेंस है। हाँ, ये आपका मार्क है, ठीक है, 210 का टर्निंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ से आप टर्न हो जाएंगे, यहाँ से इन्होंने मार्किंग लगाई हुई है सबको, वहीं तक ही अपना मछलियाँ नहीं जा सकते हैं। मछली सर आपको किनारे में दिखेगी, अभी ठंड हो रही है ना, अभी वो नीचे चलेगी, रोहू मछली इसमें बहुत ज्यादा है, तो वो दिन में दिखाई देती होंगी ना। ये देखिए वो डब्बा सा लगा हुआ है ना, वहीं से वापस ले लिया इन्होंने, वहीं तक का है परमिशन आने का। बाकी वो देखिए पहाड़ी में जू दिख रहा है, जू दिखा हुआ, वो हॉलीवुड की चमक दिखा। अच्छा हाँ, जू लिखा हुआ है वहाँ दूर पहाड़ी में ना, बड़ा बड़ा जू लिखा हुआ है वहाँ पे, बहुत बड़ा जू है, चिड़ियाघर है, घूम सकते हैं, जहाँ अलग अलग जानवर पक्षी रहते हैं। बाकी इस सड़क में आप टहल सकते हैं, ठंडी सड़क है यहाँ की, ठंडा रहता है ना, तो ये राउंड मारने के लिए। अच्छा, ये इसके बैक में एक सड़क भी है जिसमें लोग चल रहे हैं, नदी के किनारे किनारे। ये पूरा माल रोड ही है, इधर मार्केटिंग कर सकते हैं आप, और नैना देवी के पीछे भी मार्केटिंग कर सकते हैं, तिब्बतियन मार्केट। अच्छा, वो तिब्बतियन मार्केट है नैना देवी के हाँ सामने जो मार्केट है। बाकी उस पहाड़ में आप ट्रैक कर सकते हो जो टॉप दिख रहा है, हाँ उसका नाम नैना पीक वो दिखा दीजिए आप, नैना देवी का। कैसे जाते हैं वो सबसे? आपको 5 किलोमीटर गाड़ी से जाना है और 3 किलोमीटर वो क्या सबसे ऊंचा पहाड़ है नैना पीक नैनीताल का सबसे ऊंचा पहाड़, नैनीताल का सबसे ऊंचा पहाड़ है वो नैना पीक। उधर जो टॉप पे टावर है, अच्छा ये बीच में देखिए ट्रॉली आ रहा है, एक देखिए ट्रॉली, ये जाता है आपका स्नो व्यू पॉइंट। अच्छा, यहाँ से ट्रॉली भी है, अभी तो थोड़ा रात शाम हो गया तो दिख नहीं रहा। ट्रॉली कब तक अलाउड है? ट्रॉली आपका 5 बजे। अच्छा, ट्रॉली आपकी 8 बजे से शाम को 5 बजे ट्रॉली की। अच्छा, काफी ठंड हो गई है इस टाइम।
देखिए हमारा पूरा चक्कर हो गया है, अब हम किनारे तक आने लगे हैं, उसके बाद हम चलेंगे माल रोड पे। ये पटरी मार्केट है, यहाँ पे अलग अलग चीजें बिक रही हैं, अलग अलग रेंज में सामान है यहाँ पे, आप यहाँ से भी सामान खरीद सकते हैं। चांद देखिए वो सामने चांद कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि कल बुध पूर्णिमा है। देखिए पेड़ों पे एकदम इतना सुंदर से दिख रहा है। हमारी मैडम कूलर में चाय पी रही हैं, बहुत स्वादिष्ट चाय लग रहा है इनको। कैसी ये लग रही है कॉफी? नैनीताल के ठंड में कड़ाकेदार कॉफी, आप आइए और पीजिए और हमारे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत नाइस है, नाइस कॉफी है। चांद देखिए, ये झील के पास जो हमारी नैनी झील है, मैं वापस आई हूँ वहाँ पर। ये देखिए लाइट्स हैं उसके झील के किनारे किनारे। अब हम सारी मार्केट घूम आए और अब अपने होटल में जाने के लिए गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो होटल में हमने फोन कर दिया है, गाड़ी आ रही है, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर। कैसा लगा आपको आइसक्रीम वगैरह खाते? बहुत अच्छा लगा, चाय भी बहुत अच्छी थी। और इस टाइम मौसम कैसा है? मौसम बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्लियर मौसम है। हम हस्बैंड वाइफ बहुत इंजॉय कर रहे हैं नैनीताल को। मिस कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को काम था थोड़ा, तो लास्ट टाइम वो लोग आए थे।
यहाँ पे अलाव जलाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हल्की हल्की ठंड है रात में। मैं तो अपना डिनर खा चुकी हूँ, देखिए वहाँ काउंटर लगा हुआ है पूरा खाना का। ये इन्होंने आग का इंतजाम किया हुआ है, लोग आग सेक रहे हैं आसपास, खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लगता है कुछ टाइम जिंदगी से चुरा के इस तरह भी बिताना। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव दीजिए और क्या मैं बेहतर कर सकती हूँ। माय हस्बैंड ये बैठे हुए हैं, खाना खा चुके हैं, आग का मजा ले रहे हैं, आग जल रही है। मेरे पहले ब्लॉग को बहुत बहुत प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए मैं तहे दिल से व्यूअर्स का धन्यवाद करती हूँ। और ये ब्लॉग भी उम्मीद करती हूँ आप बहुत इन्जॉय करेंगे और सपोर्ट देंगे इसको। इसी तरह के नए नए ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे टाइम से मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। इसी तरह के सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच।